नमस्कार। और आप देख रहे हैं पल पल। घर में घुसकर महिला से किया गैंग रेप, रेप के बाद फांसी पर लटकाया, महिला की हालत गंभीर, इमरजेंसी वार्ड में है भर्ती, चार लोगों पर केस दर्ज हुआ है। कैथल एसपी आस्था मोदी ने कहा कि शाम तक आरोपी होंगे पुलिस की हिरासत में। आप देख रहे हैं पल पल। कैथल से नवीन मल्होत्रा की ये रिपोर्ट। कैथल जिला के कलायत इलाके में गाँव बालू में एक परिवार अपने खेत में मकान बनाकर रह रहा था। पति किसी रिश्तेदार को दवाई दिलवाने के लिए बाहर दूसरे शहर गया हुआ था। रात को महिला अपने मकान पर दो बच्चों के पास सो रही थी, तभी रात करीब 11 बजे महिला को किसी के घर में घुसने की आवाज सुनाई दी। महिला ने बाहर आकर के देखा तो चार युवक घर में घुस चुके थे। महिला ने शोर मचाया, लेकिन मकान खेत में होने के कारण आसपास में कोई सुनने वाला नहीं था। दरिंदों ने पहले तो सो रहे बच्चों का कमरा बंद किया और महिला को दूसरे कमरे में ले जाकर के सामूहिक बलात्कार किया। अपनी हवस पूरी हो जाने के पश्चात युवकों ने जाते समय महिला को फांसी पर लटका दिया, लेकिन कुछ समय बाद रस्सी ढीली पड़ गई और पीड़ित के पैर जमीन पर लग गए, जिस कारण महिला की जान बच गई। उसके बाद महिला ने अपने पति को फोन किया और महिला के परिजन मौके पर पहुंचे और अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाया, जहां पर महिला का इलाज चल रहा है। जैसे ही सूचना पुलिस के थल को लगी तो एसपी आस्था मोदी सीन ऑफ क्राइम टीम के साथ मौके पर पहुंची और मकान का मुआयना किया। वहीं महिला की हालत गंभीर होने के कारण अस्पताल में पहुंच कर के भी आस्था मोदी ने महिला की स्थिति का जायजा लिया। मैडम, कलायत का एक गांव है, उसमें क्या घटना है? कलायत का ये जो गांव है, वहाँ पे गांव के थोड़ा सा बाहर खेतों में घर में ये लेडी, उसके हस्बैंड और बच्चे रहते थे। तो जो हस्बैंड है वो बाहर रह रहे थे किसी फैमिली मेम्बर के साथ, वो बीमार थे। तो पीछे से इनके घर के अराउंड 100-150 मीटर्स की दूरी पे एक छोटा ढाबा होटल टाइप है, वहाँ पे चार ये लड़के थे। वो चारों लड़कों ने रात को 11 बजे के करीब वो उसके घर में ज़बरदस्ती घुसे और उन्होंने इस लेडी को असॉल्ट किया, चारों ने सेक्सुअली असॉल्ट किया। और फिर बाद में उनको ये डर लगा होगा कि जो लेडी है वो बता देगी अपने घर वालों को इस इंसिडेंट के बारे में, इसलिए उन्होंने कोशिश करी कि उसको रस्सी से वो टांग दे ताकि उसकी मृत्यु हो जाए। लेकिन वो टांग के उसको वहाँ से भाग गए, बट जो वो रस्सी थी वो लूज थी, तो जो लेडी थी उसके पैर ज़मीन पे लग गए और वो अपने आप को फ्री करने में कामयाब रही। फिर उन्होंने अपने हस्बैंड से बात करी और वो हॉस्पिटल गई, हॉस्पिटल से हमें इन्फॉर्मेशन मिली है तो हमने FIR रजिस्टर करी। तो मैडम, आए वहाँ पे कोई ऐसा कोई बोतल या कोई ऐसा ड्रग्स के कुछ मिले हैं कि जिससे कि नशे में ये सब किया गया? सीन ऑफ क्राइम पर इस तरह का हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। बाकी हम लोग एक बार, हमें आशा है कि आज शाम तक हम इसमें अरेस्ट कर लेंगे, हमारी टीम्स लगी हुई हैं और आज शाम तक हमें पूरी आशा है कि हम कोई ना कोई अरेस्ट इस केस में ज़रूर कर पाएंगे। उसके बाद इंटरोगेशन पे ये सारी चीज़ें। तो मैम, कितने लोग के खिलाफ अभी तक मामला दर्ज किया गया है? चार लोगों का नाम लिया है लेडी ने कि चार लोग आए थे, तो चार के खिलाफ, चार में से दो की वो पहचान कर पा रही हैं, दो के उनको नाम नहीं पता, उन्हें पहचान नहीं है। तो दो के अगेंस्ट बाई नहीं, दो अन्य चार व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज हुआ।